इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, हापुड़ में पहुंच चुका है। हापुड़ में हम चुनावी मूड समझेंगे, लेकिन सबसे पहले शहरी वोटरों का मूड समझेंगे कि आखिरकार शहर का वोटर किस ओर जाएगा, बीजेपी की तरफ या फिर बदलाव चाहता है। तो बात करेंगे लोगों से। आंटी नमस्ते, ठीक हो? चुनाव आ गए, अब पता है आपको? तो अब किसकी सरकार बनवा रही हो? अच्छा, अब लग रहा है बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी। आ जाएगी? बिल्कुल। आपको लग रहा है बीजेपी आएगी या जाएगी? आने भी नहीं चाहिए। आने भी नहीं चाहिए? अच्छा, कभी भी? कभी नहीं। ये तो कह रही है कि नहीं आएगी। बेरोजगारियों के लिए अपनी अपनी सोच है, तो बेरोजगारी। हाँ जी। अच्छा भैया, चुनाव आ गए। हाँ जी। है? मैंने पूछा भी नहीं, इन्होंने कह दिया योगी। बीजेपी आ जाएगी? हाँ जी। नहीं, अब जैसे यहाँ विधायक है विजयपाल आरती, उन्होंने कुछ काम करा है? भैया हाँ जी, चुनाव आ गए? हाँ जी बिल्कुल। मैं भी आ गया। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा आएगी। सपा? हाँ जी। यहाँ? हाँ बिल्कुल सपा आएगी। तो पिछली बार तो कमल खिल गया था इधर, अब के नहीं खिलेगा किसी की मत, यानी बदलाव है? बदलाव 100%। 100% बदलाव उधर है। चाचा जी नमस्ते। नमस्कार जी, ठीक हो? हाँ जी। चुनाव आ गए? आ गए जी बिल्कुल। मैं भी आ गया। ठीक क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। सही टाइम पे आ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी बोला आ जाएगी। गुंडागर्दी खत्म लग रहा है चाचा? बीजेपी चाहिए हमें। चाहिए? चाचा कह रहे हैं बीजेपी चाहिए इनको, मतलब आ जाएगी? आप आएगी बीजेपी? आ जाएगी? हैं? आएगी बीजेपी? आएगी। आ जाएगी बीजेपी? आएगी। हम बाजार में हैं और बाजार में लोगों की सोच रहे हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या, क्योंकि हापुड़ में चुनाव है और हापुड़ के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। चाचा आपको क्या लग रहा है? तो बीजेपी वोट है। अच्छा अच्छा, सब बीजेपी? सब बीजेपी? बिल्कुल। अरे भैया, इधर सब बीजेपी है कि आखिरकार चुनावी मूड है क्या, बीजेपी या बदलाव? हापुड़ में बीजेपी आएगी। है? हाँ जी। आ जाएगी यहाँ? मतलब काम किया है? हाँ काम किया, बीजेपी आएगी। और कोई सरकार आवे ना, बीजेपी आएगी। भैया चुनाव मोदी को देंगे वोट? है? मोदी को देंगे? पक्का आ जाएगी कमल? अच्छा, राशन दे रही है सरकार? घर वर मिल रहे हैं पक्के? मिले कहीं? फार्म भर रखा मिला? फार्म भर रखा भैया का, निकल जाएगा तो मैंने तो, यानी मोदी मोदी के नाम पे गए। चाचा जी आए? चाचा जी ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। चुनाव आ लिए? चुनाव बहुत। सोचा मैं आपसे मिल लूं, बीजेपी के अलावा कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है? नहीं, 300 से ऊपर सीटें हैं बीजेपी। 300 से? लग रहा है भैया बीजेपी? बिल्कुल आई, पक्का है? 100%। अच्छा, 100 से 100% दे दिए? बिल्कुल। अच्छा, यानी मोदी योगी? बिल्कुल। अम्मा चुनाव है अब? हाँ भाई। अब किसका लग रहा है इस बार? इस बार योगी का है। योगी आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई। लग रहा है अम्मा? हाँ भैया, बीजेपी का राज बहुत बढ़िया है। बढ़ बढ़िया। हाँ पानी दिया है, पानी बीजेपी ने, पानी दिया। अच्छा। और अनाज दे रहे हैं 2 समय, दो बार महीने में। और भैया लड़कियाँ लेडीज सुरक्षित है बिल्कुल एकदम। अच्छा, योगी जी मोदी जी का राज चाहिए। आपको भी लग रहा है भैया? देश की तरक्की हो रही है, इनके राज में नहीं लूट हो रही थी पहले और राज। अच्छा, पहले एक महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा इशू था, तो अब महिलाएं सुरक्षित महसूस? अब सुरक्षित है, पहले सुरक्षित ही नहीं थी। अच्छा, पहले घरों से भी उठा के ले जाए तो कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मोदी योगी बार 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 मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी मोदी योगी जिंदाबाद। एक मिनट लाइए। मोदी योगी सरकार बार बार, मोदी योगी सरकार जिंदाबाद। चलिए मैं चाचा जी, चाचा जी आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी सब? इधर तो सब बीजेपी बीजेपी लगता है, बीजेपी के मोहल्ले में तो नहीं आया तक भी। बीजेपी अच्छा। के मोहल्ले में आए हो ना आयो, कहीं से भी कर दो, जो मन से भी गएगा तो भी, और मन से बिगैर भी गएगा तो भी बीजेपी को। तो बीजेपी? अच्छा, ये एक बड़ी बात है। आइए दुकान के अंदर, आइए दुकान के अंदर। जूते पहन रहे हैं भैया। नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, मुझसे पर्दा क्यों कर रही है? मैं तो छोटा हूँ। अब जूता पहन रही हो, सरकार किसकी बनवा रही हो फिर? आप सर मालो पहले, फिर बोल लेना। भैया आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, हम बीजेपी के बहुत पक्के आदमी हैं। पक्के आदमी है भाई साहब, ने कह रहे बीजेपी के पक्के आदमी। हाँ पक्के एकदम। अच्छा, अब कि लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ 5 साल में? नहीं भैया, हमारा तो बदलाव ही बदलाव हो रहा। अच्छा, और जिस दिन मतलब मेरे आपके 5 ही बार वोट डालूंगा, 42 साल मेरी एज हो गई। अच्छा, मैंने आज तक भी नहीं, ये करते कि हमने गुंडागर्दी की खत्म कर दी हमने। अब जो गुंडागर्दी होती थी पहले अखिलेश सरकार में, वो कम हो गई। राशन दे रहे हैं, बिजली नहीं आती थी, ये सुविधाएं बढ़ी है, राशन मिल रहा है, हमें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है। हम किसान आदमी है, हमारी बंद गोभी बिक रही है 1200 रुपए आज तक ना बिकी, पिछली साल 2500 बिकी, उसको पहले साल 1500 बिकी, हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सही, बढ़िया बात है ना। तो भाभी जी, भैया जी के संग या कहीं अलग वोट दे दोगी?
इनके ही संग कई बार महिलाएं बदल देती हैं। चलिए मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ चुनावी मूड को। भैया नमस्ते। चुनाव आ गए भैया। सोचा आप जूता पहन रहे होंगे, मैं जूते की दुकान में ही जाके मिल लूँ आपसे। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? जो पिछली बार था वही लग रहा है। पिछली बार? पिछली बार योगी सरकार थी। योगी सरकार ही है। रिपीट हो जाएगी? होनी चाहिए। अच्छा, मतलब लग रहा है, मतलब क्यों बदलाव ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं बदलेगी सरकार? अगर 5 साल पहले से दुकान में आता था लाइट नहीं होती इतनी। अच्छा, अभी लाइट आ रही है। अच्छा, ये तो आपको भी पता होगा कि लाइट नहीं थी। लाइट आ रही है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नमस्ते। चुनाव बीजेपी? अच्छा, लग रहा आ जाएगी सर चुनिया। ये कह रहे हैं कि जब से हम आए हमने गुंडागर्दी कम की, महिलाएं जेवर पहनना भी मुश्किल हो जाता था, सड़क पे शाम ढलते ही नहीं जाती, तो ये चीजें कुछ बदली हैं क्या? कुछ थोड़ा है भी बदलाव, ये नहीं भी है ज्यादा। अच्छा, भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं हो रही है चोरी चारा, सब कुछ हो रहा है। मतलब इतना नहीं हुआ तो वोट आपका जाएगा बीजेपी का? नहीं, बीजेपी जाना है, सुधार कर रहे हैं। लौट आएंगे भाई साहब? भैया लौट नहीं आएगी। किसान, मैं भी किसान हूँ। हाँ। और मैं गांव से हूँ। हाँ। किसान पहले सोता था घर के बाहर। हाँ। सर्दी में, और उसके पशु अंदर होते थे उसकी रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए बाहर सोता था पहरेदारी पे। हाँ। और आज किसान अंदर सोता है, पशु बाहर है, किसी की मजाल नहीं, किसी की औकात नहीं को पशु को हमारे को लेके चला जाए। हाँ। ठीक है जी, किसान को ये चाहिए। हाँ। क्योंकि एक एक भैंस 1-1 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की भैंस है, वो हमारी चोरी हो जाती थी। ये बड़ी बात है, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं भैया डंगर चोरी हो जाते हैं, तो एक भैंसों का भी बड़ा फैक्टर है कि भैंस चोरी नहीं होती है। फसल हमारी, एक फसल 1 लाख की नहीं होती, एक भैंस 1 लाख की होती है, और वो भैंस सुरक्षित है आज हमारी। यानी आपको लग रहा है कि लौट आएगी भैया? लौट नहीं आ रही, और भी प्रचंड बहुमत से लौट, प्रचंड बहुमत से दावा कर रहे हैं भैया, ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सर, मोदी और योगी जैसे मानव भाव और इतने अच्छे इंसान तो आज तक हमारे पास नहीं था, हम बहुत भाग्य चाहती है। चलिए, शहरी वोटरों का चुनावी मूड समझ लिया, आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लेकर चलूंगा और वहां लोगों से करूंगा इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि हापुड़ में चल रहा है, हापुड़ विधानसभा में। शहरी वोटरों का चुनावी मूड समझने के बाद अब हम डहाना गांव पहुंचे हैं। दरअसल डहाना गांव हापुड़ विधानसभा में लगता है, लेकिन ग्रामीण वोटरों के मन में क्या है, बीजेपी या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? उधर कुछ लोग बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी। चुनाव आ गए चाचा। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी की सरकार है, आ जाएगी? हाँ बिल्कुल। जो गांव में तो किसान नाराज नहीं है कि नहीं, कह रहे हैं किसान नहीं, नाराज है इधर? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, तो अब विधायक ने कुछ काम किया है, विजयपाल आड़ती ने, वो दिखते हैं इलाके में? नहीं, खूब खूब दिखते हैं। हाँ। मतलब काम किया उन्होंने बिल्कुल बढ़िया। भैया क्या लग रहा है इस बार? पूरी मोदी सरकार है, पूरी मोदी सरकार, मतलब पूरी आधी, पूरी पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, तो गांव में कुछ बदलाव हुआ 5 साल में? बहुत बदलाव हुआ है हमारे गांव में। अच्छा, गांव में नहीं, हमारे गांव में ना, पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हुआ, योगी जी और मोदी जी। अच्छा, ऐसा ही है? बीजेपी है इधर। राशन में क्या क्या दे रहे हैं? राशन में क्या क्या दे रहे हैं? राशन भी 2 बार लोगों को मिल रहा है। हाँ। और जो है लोगों के घर में शौचालय भी बने हैं। हाँ। और सरकार ने इसमें थोड़ा लोगों का उत्पीड़न भी कम हुआ है। पहले यहाँ बराबर में नहर है, वहाँ पे जो है कोई भी बाइक शाम के 6 बजे के बाद छिन जाती थी। हाँ। किसान यहाँ मील है, लोगों की बुक्की भैंसा तक छिन जाते थे बराबर में, गाँव वालों में लोगों के वाहन उड़ जाते थे, ये उत्पाद कम हुआ है। नाराजगी नहीं है, जगह जगह बात कर रहा हूँ भैया, आ जाएगी? मतलब है पैसा 100% आएगी? 100% आ जाए। अच्छा, डहाना तो नंबर 1 पे है का भाजपा को वोट देने के लिए। अच्छा, यानी डहाना में बीजेपी का वोट ज्यादा है। चलिए, जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम। उधर भैया, भैया चाचा ठीक हो? हाँ जी। चुनाव आ गए अब? हाँ जी। मैं भी आ गया आपसे मिलने। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया रहेगा जी, बीजेपी का आ जाएगी? बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मतलब हापुड़ में बिल्कुल आएगी। अच्छा, कमल खिल जाएगा फिर से? खिल जाएगा फिर से। अच्छा, चुनाव है अब तो, किसका लग रहा है इस बार? अब अखिलेश आएंगे या जा रहे हैं? अखिलेश आ गया ऐसे तो। अच्छा, लग रहा है समाजवादी पार्टी जी, यानी साइकिल चल जाएगी यहाँ? साइकिल चल जाएगी भैया कहने। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, मुद्दे क्या है, और चुनावी मूड को हम समझ रहे हैं डहाना गांव के अंदर। चाचा, लग रहा है बीजेपी का? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी के। अब कुछ गांव में बदलाव हुआ है आपके 5 साल में? बदलाव खूब हो रहा, राशन मिल रहा फ्री का। हाँ। गैस सिलेंडर को सांझ हो जाए एक रही। अब हाँ। जल्दी लिया मैं बुक करके। अच्छा। हाँ। वोट बन गया तुम्हारा? वोट बन गया, मैंने पहली बार वोट किया था और मैं दूसरी बार वोट करना चाहूंगा। हाँ। वोट फॉर योगी, वोट फॉर मोदी। मोदी और योगी है जी।
ये योगी जी खड़े हैं इधर तो। ठीक है। अरे स्वामी जी क्या लग रहा है इधर? हमें तो हमारी अपनी सरकार लग रही है, बाबा जी की सरकार। बाबा जी की है, समझ रहे हो ना? समाज अच्छा गेरुआ पहन रखा है इसलिए बाबा जी इसलिए की नहीं कर रहे हैं। एक कुंडल देखो, योगी जी के गुरु भाई हैं हम। अच्छा अरे योगी जी के गुरु भाई मिले मुझे, जी का गुरु भाई हूँ। अच्छा और ये सब मेरे साथ है, मेरा गाँव है, समाज है, सब मेरे साथ में मिला हुआ है। तो क्यों और सब भाजपा के लिए देंगे? अच्छा लेकिन आपको लग रहा है क्या? लग नहीं रहा है, हमने कुछ देखा है। हम कितना बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत बदलाव देखा है, यानी विकास आप बदल विकास नहीं, गांव में बिजली या बेहतर चीजें हुई, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है। बढ़िया बिजली बढ़िया आ रही है अब। अच्छा 24 घंटा बिजली और 12 घंटा तक कम से कम आई है रही है। पहले जब सपा की सरकार थी, जब सपा की सरकार थी तो बिजली आती थी और किसान ट्वेल्व में जाता था और इतने बिजली फिर भाग जाती थी। अच्छा और फिर पल्ली तरफ से आता था, जब थाली सामने आती थी खाने की फिर बिजली आ जाती थी। सपा सरकार में ये काम रहता था। जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बाबा योगी आदित्यनाथ भारत मतलब मुख्यमंत्री बने, ओहो क्यों पूछो मजा ही आ गया जी किसान। अच्छा चाचा अगला चुनाव लड़ लेना। अच्छा बोलते हैं चाचा, लग रहा भैया युवा बेरोजगार एक बड़ा इशू है। और अखिलेश कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं योगी सरकार नाकाम रही नौकरियां देने में, अब परीक्षाएं होती है तो लीक हो जाती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अखिलेश सरकार क्या क्या एनडी पार्टी है इसलिए क्या क्या बोल रही है। जन जन की यही पुकार योगी सरकार अब की बार। अच्छा जन जन की यही पुकार योगी सरकार अब की बार। अब की बार योगी सर आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा हाँ नहीं तो क्या बदलाव हुआ? हर मोर्चे में बदलाव हुआ है। अच्छा बदलाव हुआ बिजली में भी हुआ है, विकास में हुआ है, सड़क भी बनी है। बेरोजगार कहते हैं? अच्छा भाई बेरोजगारी तो पहले भी थी। हाँ पहले ही क्या सबको नौकरी मिलती थी ये बताओ आप। लग रहा है सर भाई देखो विकास का मुद्दा तो इनका जीरो है। जीरो हमारे गाँव में पिछली बार गजर विधायक की सड़क बनी हुई है, बाकी पानी भरे हुए हैं, टूटी पड़ी, जाके देख सकते हो चाचा। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं है बस। जी पहले सुनो मेरी बात, पहले नू कहते थे लोग का हमें कोई खाने को थोड़ी दे रहा है। अब कह तो खाने को भी दे दिया, अब तो कह तो खाने को भी दे दिया है। 200 यूनिट फ्री चल रही है लाइट। अरे यहाँ जो बिजली फ्री कर दे, फ्री कर दे, फ्री आधी बिजली फ्री कर दे, 300 यूनिट फ्री देंगे। पहले तो आती नहीं, ट्यूबवेल का बिल आधा माफ कर दिया जी, आधा ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया। उसने जो दुनिया भर के प्लांट लगाई आई वो पहले भी तो सरकार थी, पहले क्यों ना आधा बिल माफ करा? अब लग रहा है बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी लेकिन उनके सोच है इसकी सरकार में कुछ ज्यादा अच्छा हुआ, सब सरकार राशन दे रही है, कांग्रेस सरकार राशन। देखिए बड़ा दिलचस्प भैया कह रहे बीजेपी आ तो जाएगी सरकार राशन, लेकिन बड़ा कुछ नहीं किया। सरकार ने बिजली दी है, देख लो आज में चीनी देख लो, देख लो तुम बिजली बिल ट्यूबवेल के आधे कर दिए। लग रहा है बीजेपी आएगी जाएगी? आएगी। चाचा अब यहाँ हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ेगा स्वामी जी या फिर एक तरफा? ये हिंदू मुसलमान विकास के नाम पर होगा, विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, और देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए ये यहाँ ये वोट पड़ेगा। हाँ भैया ये बताएंगे आ रही है जा रही है बीजेपी? बीजेपी खुल कर आएगी, जा रही है आ रही है बीजेपी? आ रही है सर, आ जाएगी, आ जाएगी 100% मतलब काम हुआ है। अच्छा जय श्री राम जी, लग रहा है योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी। चलिए योगी आदित्यनाथ, पहले क्या होता था सुनो, पहले क्या क्या होता था? आतंकवादी आ जावे और घुस के मार के जावे, मार के जावे। अब आतंकवादी नहीं आ रहा जब तू भारतीय जनता पार्टी आई है। अब कहता जब पाकिस्तान वाले घुस के मारे, पहले किसान अपने खेत में जाग रहा परेशान रह रहा क्यों लाइट की व्यवस्था नहीं, अब तुम जो किसान बादशाह की जिंदगी जी रहा, दिन में अपना पानी चलाया, रात में कोई जरूरत नहीं क्यों, जब सबको हम दिन में हो जाता रात में करने की क्या जरूरत है? चलिए चलिए हमने यहाँ बात की, तो इलेक्शन की राम राम का सफर। आपको बता दें कि हम हापुड़ के दोईमी गांव पहुंचे हैं और यहां लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जा रही है। क्या लग रहा है? बीजेपी पक्का आएगी। आएगी मैंने पूछा ही था, इतनी बोल दिया। 350 सीट से ऊपर, 350। ये विश्लेषण कैसे किया आपने? विश्लेषण लोगों के जो मन में जो भाव आ रहे हैं निकल निकल के कि भाई हम भाजपा को ही देंगे, योगी को ही देंगे, उसकी कार्य की जो उन्होंने 5 साल में देखा कार्य उसके अनुसार ही। चाचा ये कहते हैं कि गांव में हमने
योजनाएं पहुंचाई, राशन पहुंचाया, सड़कें खराब थी वो दुरुस्त की, बिजली आती है नहीं थी है, बिजली आ रही है, गुंडागर्दी कम की, वो दिखा कुछ है सर? हाँ जी खूब देखा हमने तो अपने गांव में सब चीज़ मौज है। अच्छा, किसी चीज़ कोई कमी नहीं। सड़कें या शिक्षा या उन चीज़ों में कुछ बुनियादी सुविधाएं मिली हैं? कोई भी क्षेत्र हो सब में इतना विकास हुआ है। हमारे यहाँ पे ये सड़क अपनी जिंदगी में पहली बार ये सड़क बनी है, चाहे गांव की हो या ये मैन जिंदगी में पहली बार। बिजली शाम की कभी आती नहीं थी, शाम की बिजली मोमबत्ती जलाते थे घरों में, पहले कभी बिजली शाम की देखते नहीं थे, अब इतनी अच्छी बिजली आती है, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया चल रहा है। चाचा जी आएगी या जाएगी? आएगी, आ जाएगी। और इसे तो कोई विधायक का कुछ काम, विधायक का बढ़िया काम है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम किया विधायक जी, हाँ जी, कोई विरोध नहीं विधायक। भैया हुआ बदलाव या सिर्फ लग रहा है कि माहौल है योगी के लिए इसलिए योगी योगी हो रही है? हुआ जी बदलाव, हुआ योगी योगी हो रही है, बदलाव हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लग रहा है कि मतलब आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल भैया, वोट 20 साल का भाई इसका वोट नहीं बना, क्यों नहीं बनवाया? अभी गए हुए आपका आशा कर भी नहीं, अभी पता नहीं लग रहा है भैया बीजेपी आएगी। चाचा जी आएगी बीजेपी, पर वोट जो मिल गया योगी मोदी को मिल गया, इन्हें मिल रही विधायक, विधायक को ना विधायक के चेहरे पे नहीं, मोदी योगी के। हाँ योगी मोदी योगी की वोट है। हाँ जी चाचा लग रहा है या आए साइकिल पे दोगे? ना साइकिल पे ना, वैसे साइकिल पे सफर ना, साइकिल के तो हम आदमी ना है, हम तो बसपा के आदमी है। बहुत देर बाद मुझे हाथी हाथी की आवाज सुनाई दी, हाथी है सब जगह ऐसी में सब आते हैं। मायावती टक्कर पे टक्कर पे पूरी पे चुप बैठी है, पता नहीं वोट बैंक दूसरे नंबर का है उसका। अच्छा यूपी में भैया हाथी चल जाए? हाँ खूब दौड़ेगा, दौड़ जाएगा। हाँ हाथी है बीजेपी, बीजेपी जी। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़े थोड़े जगह जगह जा रहा हूँ और गांव की चुनावी मोड अब समझ ही गए होंगे, योगी योगी हो रही है। अब दूसरे गाँव में चलते हैं, वहाँ क्या बदलाव या फिर से योगी सरकार। अच्छा जी राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, हापुड़ जिले के धनौरा गांव पहुंच गया, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों का चुनावी मूड जान रहे हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, क्या बीजेपी आ रही है जा रही है, अखिलेश आएंगे या कोई और सरकार बनने के चांसेस हैं? सर बीजेपी आ रही है और ना या कुछ भी जो मैंने पूछा भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, चाचा कह दिया आ जाएगी बिल्कुल। मतलब काम करें तुम, देख लो कैसे काम हो रहे हैं, सड़क देख लो खूब, जो किसानों को खूब हो रहा सब कुछ हो रहा। चाचा ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हमने खत्म की, वो गाँव में इन इलाकों गुंडागर्दी खत्म हुई है? अच्छा गुंडागर्दी खत्म हुई है कि जितने भी ये भूमाफिया है वे सारे खत्म हो गए, खत्म हो गए, जेल में पहुंच गए या कुछ ऊपर पहुंच गए, जिन्होंने ये जमीन घेर रखी सब ने वो करा। भाजपा ने सरकार ने इतना काम करा है कि कभी 70 साल में भी किसी ने काम नहीं करा। जब एक बड़ा इशू था कि बिजली नहीं मिलती थी, अब में बिजली गाँव में 18 घंटे बिजली आ रही है, शहर में 24 घंटे बिजली आ रही है। तो इतना काम करने के बाद भाजपा सरकार ना आवे। चाचा जी अब यहाँ विधायक का कुछ काम दिखता है? विधायक ने तो बहुत काम कराए, और सबसे पहला काम यू है कि सुबह 10 बजे अपने यहाँ बैठ जाना और 1 बजे तक हर आदमी की बात सुनना। विधायक अपने क्षेत्र में दिखते हैं आपको? हाँ विधायक बढ़िया बहुत। युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा योगी जी को लाना चाहते हैं यूपी में और गवर्नमेंट आ रही है बहुत अच्छे तरीके। योगी लगता जी कि युवाओं के लिए के रोजगार बड़ा इशू है, तो रोजगार देने में कामयाब हो पाई है सरकार? यूपी गवर्नमेंट कामयाब हो पाई है और आने वाले समय में और रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार नहीं मिला? कतई नहीं मिला जी सर, ये तो कह रहे हैं नहीं मिला। देखिए मिला है रोजगार, मिला है, दो साल हो गए भर्ती की, जो भर्ती कोरोना की वजह से जहाँ आप खड़े हो इससे 500 मीटर जो इसके जो इनकी पर्सनल है वे वो जो की है क्या बोल रहे हैं रिलेशन की वे तो चल रही है इनकी। हाँ। जो वैसी निकलती है वे एक भी भर्ती चली, ढाई ढाई साल लगेगी तो भर्ती कहाँ से हो पाएंगे? कोरोना जब दौड़ नहीं लगा पाएंगे तो भर्ती कहाँ? अब ये कोई वैसे तो सही कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं कि अपने पड़ोसी से पूरे परिवार को भर्ती कर दिया? भर्ती नहीं हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे यूं पूछो जहाँ तुम खड़े हो 100 मीटर आगे पहले नी के भसरे छिट जावे। तो पहले गुंडा भसरे थे हमसे 100 साल पहले, 10 साल पहले यही है, पहले भसरे यही चीज दुआ करे हम तो बाद में हुए। देखो यूं चीज से हमें कोई मतलब नहीं, जो कह रहा अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन हमें बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा बाबा चाहिए। अखिलेश अखिलेश से मतलब नहीं है, बस किसका बढ़िया नहीं है सरकार? फिर किसका बढ़िया? इस काम पे इस मुद्दे पे बढ़िया नहीं है रोजगार? असल में क्या समाजवाद परिवारवाद झेलते आए आज तक ये लोग, तो उसे ही बोलेंगे। ये कह रहे कि पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी, जो योग्य युवा है उनको नौकरी दे रहे,
तो ये सही है। ढाई ढाई साल भर्ती को हो गई है तो आप भी जानते हो भर्ती नहीं आ रही। ये तो जो काबिल है उन्हें नौकरी मिलती है। पेपर तो लीक हुई नहीं, जो काबिल है नौकरी, पेपर लीक वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। गुंडागर्दी की वो आखिर सुनो शिवपाल जी के नाम भरे जाते हैं। बेरोजगारी का कारण मैं बताऊंगा आपको, बेरोजगारी का कारण यू है। कपिल सिब्बल ने 10वीं को बना दिया 8वीं। गांव में डिबेट छिड़ गई, माहौल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी दोबारा आ रहे हैं, ठीक है ना। लग रहा है कि जाएगा युवा भी बीजेपी के साथ, क्योंकि अखिलेश भी युवा है, युवा चेहरा बन गया, युवा है, कंफर्म है। अच्छा, अखिलेश के साथ न जावे कोई भी, अखिलेश 70% युवा बाबा जी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ओनली बाबा जी सर, कोई नहीं, ओनली बाबा जी, और किसी को वोट नहीं देंगे। मोदी योगी के नाम पे वोट है, मतलब योगी मोदी को देखेंगे 24 में। देखिए वोटर बड़ा समझदार है, चाचा आ जाएगी मतलब बीजेपी, बिल्कुल आवेगी, बिल्कुल। तुमने नाम देखी 312 आवेगी, 312 तुमने नाम तो किसी का पूजा नहीं। हाँ नाम मैं देखता रहा हूँ, नाम पूजे का। अच्छा, चाचा का चेहरा हो जाएगा। चलिए, धनौरा गांव में हमने बात की और इलेक्शन की राम राम के जरिए यहाँ की नब्स टटोली, तो कोई कह रहा बीजेपी, लेकिन एक युवा ने कहा कि रोजगार का बड़ा इश्यू है और जिसे कहीं ना कहीं अखिलेश बुना भी रहे हैं, तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और भी गांव चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो जगह जगह हम चुनावी मूड को भांप रहे हैं कि हापुड़ में क्या है। उधर चाचा खड़े हैं, चाचा सलाम अलैकुम, खैरियत चाचा जी? चलिए सब शुक्र है। तो इस बार सरकार आ रही है, तो किसकी आ रही है? अल्लाह जिसकी चाहेगा उसकी सरकार। अल्लाह जिसकी चाहे, मतलब आप नहीं जी, इंशाल्लाह। और जो इसके लायक है उसको आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा। जो समाज के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा काम कर सकता है, हाँ, उसको इसमें आगे बढ़ के काम करना। तो लग रहा है कि योगी सरकार उस पैमाने पर खरी उतरी या लग रहा है कि नहीं फेल हुई? नहीं, सही काम कर रहे हैं वो लोग भी, अपने स्तर पर सही काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम की, हमने गरीबों को राशन दिया, बिना हिंदू मुस्लिम के योजनाएं पहुंचाई, वो चीज़ें धरातल पर आपको दिखी क्या? गरीबों को राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन। हाँ, हाँ, तक राशन का सवाल है, खाने पीने का इंतजाम सबके लिए बराबर। हाँ, भैया लग रहा है योगी सरकार आगे जाएगी? बात तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। तो अखिलेश? अच्छा चाचा, लग रहा है इस बार अखिलेश या योगी सरकार? इसमें तो अल्लाह ने अच्छा, इसके मामले में तो हमारी नीति ये है, जो नुमाइंदा जिस विकास के लिए काम कर सकता हो उसे हर आदमी को निष्पक्ष होकर के। नहीं, अब ये कहते हैं हमने गुंडागर्दी खत्म की, तो ये चीजें हुई है क्या? नहीं, ये चीज हुई क्या? गुंडागर्दी खत्म हुई क्या? गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, काफी हद तक खत्म। हाँ, किसको जा रहा है वोट? अखिलेश का है, आ जाएंगे अखिलेश? अखिलेश अच्छा जीत जाएगी है सर, लग रहा है चाचा जी? भैया लग रहा है अखिलेश आएंगे या योगी? अच्छा, लग रहा भैया अखिलेश यादव आएंगे। हाँ, अब ये कहते हैं गुंडागर्दी कम हुई, नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, बढ़ गई और बढ़ गई है ये गुंडागर्दी, कह रहे हैं पहले गुंडा लूट खसोट ये होती है, वो ही है सब कुछ। अच्छा, कोई बदलाव नहीं है? नहीं जी। अच्छा, अखिलेश आएंगे? अच्छा, तो देखिए हापुड़ में हमने लोगों से की इलेक्शन की राम राम का सफर यहीं खत्म कर रहे हैं। हापुड़ का चुनावी मूड बताया, कोई कह रहा है योगी सरकार आ जाएगी, कोई कह रहा है चली जाएगी, कोई कह रहा है अखिलेश आएंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन आपसे अपील है, किसी को भी वोट दीजिएगा लेकिन वोट अपना जरूर डालिएगा इलेक्शन की राम राम।